नमस्कार दोस्तों, आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार बोर्ड ने 12वीं का मई में जो मंथली एग्ज़ाम लेने वाला है उसका टाइम टेबल जारी कर दिया है। आप सबको पता है ना कि बिहार बोर्ड हर महीने हर क्लास के छात्रों का मंथली एग्ज़ाम ले रहा है। तो अभी अभी दोस्तों तुरंत ही 10 मिनट नहीं हुआ 12वीं का टाइम टेबल जारी हुआ है मई मंथली एग्ज़ाम का। तो इसका मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को दे रहा हूँ, तो सब लोग ना वीडियो को लाइक करना और आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर यहीं पर मिलेगा एग्ज़ाम से एक दिन डेढ़ दिन दो दिन पहले, ठीक है ना। तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं इसका टाइम टेबल, यहां पर देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माह मई 2025 में 12वीं कक्षा का अध्ययनतम विद्यार्थियों के लिए मासिक परीक्षा आयोजन करने के संबंध में आवश्यक सूचना है। दोस्तों यहां पर दोस्तों आप लोगों को बता दिया दिनांक 21 से लेकर 3 तारीख के बीच तो होगा, क्योंकि तीन सब्जेक्ट है ना आप लोगों का, तीन आपका स्ट्रीम है, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, तो सभी बच्चों के लिए यहां पर होगा। और मैं आपको यहां पर दोस्तों बता देना चाहता हूं, यहां पर आप लोगों का देख लीजिए यहां पर मंथली एग्जाम मंथ मई फॉर 12th क्लास के छात्रों के लिए। यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हैं ये दोस्तों आपका मॉर्निंग में जो आपका स्कूल चल रहा है ना, मॉर्निंग आपका चल रहा है स्कूल, आपको लोगों को पता ही होगा गर्मी का मौसम है तो मॉर्निंग चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 21 तारीख 5वां महीना 2024 को फर्स्ट पाली में 6:30 से 8 बजे के बीच में आपका पेपर होगा, फिजिक्स का होगा, फिजिकोलॉजी का होगा, ठीक है ना, फिजिक्स फिजिकोलॉजी, ठीक है ना। और सेकेंड पाली में आपका होगा 8:30 से 10 बजे तक केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी और पॉलिटिकल साइंस का होगा, ठीक है ना। और उसके बाद से 22 तारीख को मैथमेटिक्स का पेपर होगा प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में आपका बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, ज्योग्राफी जो भी है आर्ट्स वाले वो होगा, ठीक है ना। और उसके बाद से आप लोगों को पता है ना कि अब उसके बाद से 23, 24, 25, 26 गैप है, और 27 तारीख को दोस्तों इंग्लिश है, इंग्लिश है आपका प्रथम पाली में, और द्वितीय पाली में आप लोगों का क्या है हिंदी है। और उसके बाद से दोस्तों 28 तारीख का यहाँ पर देख सकते हैं जो भी जो आप लोग अदर सब्जेक्ट है जैसे मैथिली हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, इस सब का विषय होगा। उसके बाद से यहाँ पर सेकेंड पहले में आप लोग का फिजिकोलॉजी है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ 29 तारीख का एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, फिर आपका साइकोलॉजी है, और उसके बाद 30 को हिस्ट्री है, और आपका 3 तारीख को डायरेक्ट होम साइंस है, ठीक है। तो ये है कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए टाइम टेबल, ठीक है ना। और अभी दोस्तों 10वीं का भी आ जाएगा तो मैं आपको तुरंत आप लोगों को नोटिस दे दूंगा। अभी फ़िलहाल दोस्तों ये 12वीं का मिला है, ठीक है ना।